सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो और दुआएं सबसे पहले। मेरी दुआ है कि आप, आपके घर वाले, आपके दोस्त अहबाब और रिश्तेदार सदा सलामत रहे और हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन। तो चलो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश काउंटी में सिरे के ओपनर दिलजैक्स ने लंका शहर के खिलाफ 10 ओवर के मैच में 25 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर करके नई तारीख रकम कर दी, मगर ऑफिशियल मैच ना होने के बायस इनकी ये सेंचुरी आलमी रिकॉर्ड में शुमार नहीं की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक दिलजैक्स की सेंचुरी को पेशावराना टीमों के दरमियान मैच की सबसे तेज तरीन सेंचुरी करार दिया जा रहा है, ताहम ऑफिशियल मैच ना होने के सबब आलमी रिकॉर्ड नहीं बना सके। अलबत्ता वो T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर बनाने का एजाज अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं, जो इससे कबल इंग्लिश बास एलेक्स हेल्स के पास था, जिन्होंने गुज़िश्ता साल 87 रन की इनिंग्स खेली थी। जैक्स ने मजमूई तौर पर 30 गेंदों पर 105 रन की उमदा इनिंग्स खेली और इस दौरान न सिर्फ 8 चौके मारे बल्कि एक ओवर में मारे गए 6 छक्के समेत मजमूई तौर पर 11 मरतबा गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंका। इनकी इस इनिंग्स की बदौलत सिरे ने 3 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए, जिसके जवाब में लंका शायर की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 81 रन ही बना सकी। अपने इस कारनामे के बारे में गुफ्तगू करते हुए जैक्स ने कहा है कि जब तक वो 98 के स्कोर तक नहीं पहुंचे थे इस वक्त तक उन्होंने सेंचुरी के बारे में सोचा नहीं था, ये सब कुछ इंतहाई जल्दी में हुआ। 20 साल जैक्स ने गुज़िश्ता साल सीरी के लिए फर्स्ट क्लास T20 और लिस्ट ए डेब्यू किया था और ग्लोस्टर शायर के खिलाफ रॉयल लंदन कप के मैच में 100 गेंदों पर 121 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। वाजा रहे कि आलमी क्रिकेट में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड साबिक जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डी विलियर्स के पास है, जिन्होंने 2015 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे मैच में 31 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए। मेरी दुआ है कि मेरी, आपकी और हम सब की हर जायज मुराद पूरी हो। मेरी न्यू वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह ही हाफिज और निगहबान हो। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया।